now. हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बेबी डियर प्लांट को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी केयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बेबी डियर प्लांट। इसको बेबी डियर्स प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आंसू के समान होता है, आंसू की तरह लगता है देखने में। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे रोते हैं तो उनके जो आंसू होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना, बिल्कुल सेम एज वैसे ही हैं, इसीलिए इसको बेबी टीयर्स प्लांट कहते हैं। और ये प्लांट मुझे तो बहुत पसंद है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको तो मैंने फ़िलहाल हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इसकी देखभाल के बारे में बात किया जाए कि इसकी हमें केयर किस तरह से करनी है, तो ये जो पौधा होता है ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये मैंने प्लांट भी कटिंग से ही ग्रो किया है, ये देखिए, और ये बहुत ही अच्छे से चल भी रहा है। बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो ये जो प्लांट होता है आप इसको फुल सनलाइट में मत रखिए। अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और ये थोड़ा सा भी इसको छू देंगे तो पूरा गिर जाएगा ये प्लांट हमारा। तो आप इसको मॉर्निंग के सनलाइट में रखिए या फिर थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, जहाँ पर सिर्फ सूरज की रोशनी आती हो, सूरज डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, या फिर अगर मॉर्निंग की 8 बजे तक की अगर धूप इसके ऊपर पड़ भी रही है तो भी पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसको अगर मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट मिलेगी तो फिर इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। बट जो दोपहर की धूप होती है वो इसके लिए सही नहीं है, वो इसके ऊपर ना पड़े तो हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी की, कि हमें इसको पानी किस तरह से देना है। ये ऐसा प्लांट है कि इसकी जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए इसके सॉइल में। इसमें ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग मत करिए। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगे, और अगर अंडर वाटरिंग भी होगा तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो सारी की सारी ड्राई होके गिरने लगेंगी। तो इसका हमें ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग नहीं करनी है। लेकिन इसकी जो सॉइल होती है उसमें हमेशा हमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना है, मतलब एक एक दिन छोड़ के आप इसको पानी देंगे तो हमारा जो ये प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। बिल्कुल इसकी सॉइल को ड्राई मत होने दीजिए कि ये बिल्कुल इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए। बात करते हैं इसके लिए किस तरह की हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए, मैंने तो इसको हैंगिंग बास्केट में सिर्फ कोकोपिट में लगा रखा है और इसमें मैंने कोई भी सॉइल मीडिया नहीं लिया है। हैंगिंग बास्केट में हम थोड़ा सा लाइट वेट ही रखते हैं तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ कोकोपिट में लगाया। तो आप इसको सिर्फ कोकोपिट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा रहे हैं, आप इसको किसी पॉट में लगा रहे हैं, तो आप उसमें 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 30% उसमें आप कोकोपिट और 20% कंपोस्ट को मिक्स कर लेंगे तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप इस तरह की सॉइल में इसको लगाएंगे तो इसकी जो रूट्स हैं उसको डेवलप होने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप होंगी और हमारा जो प्लांट है वो भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। और पॉट हमेशा वेल ड्रेन ही लेना चाहिए, तो इसके लिए पॉट में ध्यान दें कि उसमें ड्रेनेज होल जरूर से ज़रूर हो, जिससे कि जो पानी है वो रुके नहीं। और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसको महीने में एक बार बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट,
इन सभी को मिक्स करके, और अगर आप इसको दे देंगे तो वो इसके लिए बेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा इसको कंपोस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसमें महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट से इसके ऊपर थोड़ा सा शावर कर देंगे तो इसकी जो ग्रीनरी है वो बनी रहेगी, इसके जो लीव्स हैं इसकी वो और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेंगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमें अपने बेबी टीयर्स के प्लांट को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए और लॉन्ग टर्म्स तक अपने पास रखने के लिए ज़रूरी थी। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।